हेलो सर, तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, 26 को हमारे पास इतने सारे मैचेस हैं, अब ये वाला हम लोग कवरअप नहीं करेंगे बिकॉज ये शो नहीं कर रहा, ठीक है? तो कोई सेंस बनेगा नहीं। और BPL का कल हमारा नॉकआउट गेम्स है, ठीक है? एक क्वालीफायर है, एक में और मौका मिलेगा जो टेबल टॉपर और सेकंड नंबर की टीम रहती है। इनके सबके आज लगभग एक एक मैच हो जाएगा, उसके बाद और डीप में डिस्कशन करके एक और वीडियो में बना दूंगा। और इसका तो मैं आपको यही बता देता हूँ, हमारी टीम पेशावर रहेगी, ठीक है? तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले कल हमारा मैच है पेशावर और इस्लामाबाद का। हालांकि आज बहुत कुछ चेंज होगा, आज भी मैच चल रहा है, बट उससे कोई फर्क नहीं, हमारी टीम पेशावर रहेगी। इसमें तो दो जो गेंदबाज को इन्होंने ऐड किया, नवीन उल हक और आपके उसको आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? हमारी टीम पेशावर रहेगी। तो देखिए, चट्टोग्राम और फॉर्चून में तो टीम तो हमारी फॉर्चून बड़ी शाली रहेगी। चट्टोग्राम की टीम में देखा जाए तो टीम अच्छी है, इनके रमारियो सफर अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं। बाकी देखा जाए तो एक तरह से एवरेज टीम है, ठीक है? ये काफ़ी अच्छी बॉलिंग किया है पूरे टूर्नामेंट में, आप याद रखिएगा। सलाउद्दीन शकील भी अच्छे लेफ्ट आर्म के फास्ट बॉलर लग रहे हैं, बिलाल खान भी आप बोल सकते हो रन नहीं दे रहे, ठीक है? और अगर इनकी बात की जाए तो इनके पास बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है, ठीक है? इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत हद तक तगड़ी है, सब खेल लेते हैं। बॉलिंग लाइनअप में भी ताइजुल अच्छा कर रहे हैं और बाकी ओवेड मौका सब अच्छा कर रहे हैं। देखिए, एक ही चांस बनता है जो मेरे को लग रहा है, फॉर्चून बरीशाल जो मेरे को लग रहा है, हो सकता है कि मेरे हिसाब से ये अगर ये चेस करने जाएंगे तो ये इनका काम लग सकता है। मेरे हिसाब से चट्टोग्राम अगर पहली बैट करते हैं और कुछ अच्छा खासा टोटल बनाते हैं तो इनके पास बॉलिंग लाइनअप इतनी है कि शायद डिफेंड कर दें, बट इन सब चक्करों में मैं नहीं पढ़ूंगा, कुछ होगा तो वहाँ पे बताऊंगा। हमारी टीम कल के दिन फॉर्चून बरीशाल रहेगी, वन साइडेड इनका हारना बहुत मुश्किल है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। इनकी टीम स्ट्रांग है देखा जाए तो, ठीक है? इसमें रंगपुर और कोमिला में कुछ सोचने की बात नहीं है, जो टीम जीतती है हमेशा जीतेगी। उसके हिसाब से रंगपुर टेबल टॉपर है, और हालांकि दो बार हमने नोटिस किया, जैसे ब्रिस्बेन ही टेबल टॉपर होने के बाद भी वो हारे थे, फिर नेक्स्ट दोनों जीत गए थे, ठीक है? ऐसे कुछ कुछ टूर्नामेंट में हमने नोटिस किया हुआ है। इनकी टीम में देखा जाए तो इनकी टीम में आप जानते ही हो, सारे क्रिकेटर आप बोल सकते हो सब IPL वाले ही हैं, सब अच्छा ही खेल रहे हैं। तो देखा जाए तो पर हमारी टीम यही रहेगी, ठीक है? हमारी टीम रंगपुर रहेगी पूरे टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि टेबल टॉपर है, इनको ही टूर्नामेंट जीतना चाहिए। नूरुल हसन, आपके शाकिबुल हसन, ये सब अच्छा कर रहे हैं। मेहदी हसन, आपके शमीम हुसैन नीचे में मार सकते हैं, अबू हैदर ने 5 विकेट लिया, इमरान ताहिर, तो उन सब कोई मतलब नहीं, डिटेल में डिस्कशन करना नहीं, बिकॉज कुछ देता है नहीं वहाँ पे। अपनी टीम रंगपुर रहेगी, जब बैटिंग फर्स्ट आए या सेकंड। पेशावर में देखिए जो इनका सिलेक्शन हुआ, देखिए लुकवुड, पॉल वॉल्टर और नवीन उल हक, ये तीनों ने आप बोल सकते हो टॉप क्लास का सिलेक्शन है। एक तरह से देखा जाए लुकवुड काफी अच्छा कर रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, बैटिंग से बॉलिंग से। सलमान इंसाद भी डिसेंट बॉलर है, इनका एक लेग स्पिनर उठाया, 5-6 एकदम टॉप क्लास बैट्समैन है, जो अपने दिन पे कोई भी मैच अकेले जिता सकते हैं, ठीक है? इनकी टीम, हालांकि एक चीज नोटिस कीजिएगा जो मैं हमेशा बोलता हूं, जो टीम टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम होती है जो हर मैच में कलर देती है, ठीक है? इस्लामाबाद का भी वो इशू सामने आया, आपने देखा होगा, जैसा मैंने अपने वहां पर भी बताया है कि रैले का शो आउट था, अगर वो आउट हो जाता उसी टाइम पे मैच खत्म हो जाता, या तो हो सकता था पूरा काम हो जाता, ठीक है? तो DRS गलत था, इन्होंने एक और मैच किया है जो जीता है, और एक और जो ये हारे हैं 144 रन डिफेंड करके, उसमें भी इन्होंने कलर लाए थे। तो देखा जाए तो हर मैच में कलर ला रहे हैं। नसीम शाह काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हालांकि इस भाई मशरफ को बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे मेरे को नहीं पता। रुमन रईस अच्छे खासे बॉलर हैं, और टीम एक तरह से डिसेंट है, बट हमारी टीम पेशावर जलमी ही रहेगी। बट आप ये नोटिस करिएगा मेरा एक क्या समझा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ आपको अलग भी बोलता हूँ। कोई एक टीम ऐसी होती है जो कोई भी मैच आप बोल सकते हो मतलब वो जैकपॉट देती रहती है, तो ये वो टीम है इस्लामाबाद, ठीक है? मैंने अपने जो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया उसमें भी मैंने बोला मैं इसके ऊपर प्रिडिक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को टीम समझ में नहीं आती, ठीक है? तो ये हो सकता है आपको आगे चल के भी कुछ ऐसे ही मैचेस के जैकपॉट दें जो कहीं ना कहीं आपका काम हो जाए, ठीक है? अब देखिए इनके ऊपर पूरा फुल डिस्कशन करेंगे, एक मैच मैंने पूरा देख लिया इनका, आज एक और हो जाने दीजिए, उसके बाद कवर करेंगे। सबसे पहले तो चलिए यहाँ पे वो तो बात नहीं कर सकता मैं, मतलब मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, एक विकेट पर पूरा उठना और बैठना, आप समझ रहे हो, मतलब बहुत हद से ज़्यादा आप बोल सकते हो फ्लक्चुएशन है, तो वहाँ अपना एक बेनिफिट बनता है, ठीक है? अब देखिए आइए बात करते हैं एक एक टीम की। तो इनकी टीम में देखा जाए तो शेफाली वर्मा खेलती हैं, बट कम ही खेल रही हैं, पहले जैसी नहीं रह गई हैं। मैक लैनिंग तो हर मैच में खेलती हैं, एलिसा कैप्सी लास्ट मैच खेली थी, बट अब इसमें हर मैच पर भरोसा नहीं कर सकते। बाकी इनके पास तो कोई कमी नहीं है, ये तीनों ही अच्छा कर रहे हैं। एनावल सदरलैंड अच्छी बॉलर है, लास्ट में डिफेंड करके जरूर देंगे। अरुंधति रेड्डी भी अच्छी बॉलिंग लग कर रही थी, फास्ट बॉलिंग लग रही थी इनकी अच्छी, ठीक है? तनिया भाटी एकदम बेकार है, खाली कीपिंग करेंगी। राधा यादव उतनी अच्छी बॉलिंग अब उन पहले जैसे नहीं करी। शिखा पांडे आपको अच्छी बॉलिंग करके देंगी। मिन्नू मानी शायद मैंने नोटिस नहीं किया है क्या कर रही है, ठीक है? इसको मैं नहीं जानता। हालांकि इनके पास बॉलिंग लाइनअप आप देखोगे तो अमेरिकन कप, आपके एनाबेल सदरलैंड, ये दो, इसके अलावा आपके शिखा पांडे अच्छा करी, अरुंधति रेड्डी अच्छा करी है, तो ये डिफरेंट टीम है, याद रखिएगा, ठीक है? चेज में ये है कि टीम तो अच्छी है, देखिए ओवरऑल देखा जाए तो इनकी मुंबई की टॉप की टीम है, बट चेज में हो सकता है नीचे में, सिंस इनके पास उतनी बैटिंग लाइनअप नहीं। हालांकि शिखा पांडे बैटिंग कर लेती है, याद रखिएगा। एनाबेल सदरलैंड भी आपको अच्छा खासा रन बना के दे देगी, बट पूरा भरोसा नहीं कर सकते। इनके में देखा जाए तो एलिशा हेली आपको मालूम ही है, वृंदा दिनेश मेरे को काफी सही लगी बैटिंग में, ताहिला मेघना तो भाई एकदम टॉप की क्रिकेटर है, ग्रेस हैरिस कोई भी मैच जिता सकती है, इनकी बैटिंग काफी पुअर हुई है, दीप्ति शर्मा स्लो खेलती है, सोफिया कलस्टन को इतना नीचे इन्होंने क्यों भेजा पता नहीं, ये अपने दिन पे मैच जिता सकती है। बाकी इनकी ये श्वेता सहरावत की बैटिंग देख के काफी मेरे को अच्छा लगा, अंडर 19 सेंसेशन है, कंटिन्यूस रन बना के आ रही है, हो सकता है ओपन कर ले, वृंदा दिनेश को निकाल दे, ठीक है? राजेश्वरी गायकवाड़ अच्छी बॉलिंग कर रही है, ये भी कुछ खास नहीं है। पूनम खरनेवार भी अच्छी बैटिंग की थी लास्ट मैच में, जो इन्होंने देखा 2-3 चौके इन्होंने मारा था, तो ओवरऑल ये भी टीम अच्छी है, एक आप बोल सकते हो लास्ट ईयर के तीसरे नंबर की टीम है। इनको भी मैंने आपको बोला था इट्स अ डिफरेंट टीम, ठीक है? क्योंकि इनके पास वर्ल्ड की नंबर वन आप बोल सकते हो लेफ्ट आर्म की स्पिनर है और दीप्ति शर्मा है, ठीक है? इसके अलावा भी आप देखा जाए तो राजेश्वरी गायकवाड़ भी अच्छा कर रही है, तो ये भी एक तरह से हमारी डिफेंड ही टीम रहेगी। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि देखिए प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये मैं सोच के बताता हूँ, ठीक है? एंड में आपको बता दूंगा, ये तो अपन प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, इसको मैं बोल दूंगा हटवाने को, अगर है तो इसको आप हटा देते हैं, ठीक है? तो कल के दिन आइए, मैं सबसे पहले यहीं पे आपको प्रिडिक्शन दे देता हूँ, जो एकदम शो मतलब जो मेरी तरफ से रहेगा, ये एक रहेगा, ठीक है? इसमें ये दूसरा रहेगा, ये दो तो हमारा रहेगा, इसके अलावा ये तीसरा, ठीक है? वन साइडेड नहीं हारने वाली, तो ये तीन तो हमारा कवरअप हो गया। ये मैच काफ़ी अच्छा बन सकता है, और एक बार मैं सोच लूँ,
ठीक है, तो मैंने सोच लिया है इसमें मैं डिफेंडर के साथ रहूंगा, क्योंकि दोनों ही टीम की एक तरह से देखा जाए तो बॉलिंग लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग में है अच्छी दिल्ली की टीम में भी, बट ये है कि नीचे में फिर 3-4-5 प्लेयर अच्छा नहीं खेलते। तो एक फाइनल कर देता हूं जो मेरी तरफ से ये रहेगा, अगर एक मैं एक से कर रहा हूं, ये सबसे पहला रहेगा हमारा रंगपुर, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारा पेशावर रहेगा, एक ये रहेगा हमारा फॉर्च्यून बरिशाल, ठीक है, ये भी हारना नहीं चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली वन साइडेड, और इसमें हमारी टीम डिफेंड रहेगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, बाकी वुमेंस में ऐसा होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है वुमेंस में आपको कुछ भी मिल सकता है, आप समझ रहे हो, सोफी क्लस्टर बॉलिंग कर रही है वो अचानक से आपको 2-3 विकेट लेके दे देगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर यूपी वाले अच्छा 20 ओवर भी खेल देती है तो आपको कलर ला के दे सकती है। सोफिया क्लस्टर आपकी, दीप्ति शर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़ अच्छी बॉलिंग कर रही है, और दिल्ली कैपिटल में इनके फास्ट बॉलर अच्छे हैं जो कि मैच में कलरफुल ला सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यूपी की, जिस हिसाब से मैंने बैटिंग भी देखी है नीचे तक, यूपी की टीम ठीक ठाक लग रही है मेरे को, और अगर पहले बैटिंग करते हैं तो आपको डिफेंड में अच्छा खासा कलर मैच दे सकते हैं। वन साइडेड हारना जिस टीम में सोफिया क्लस्टर हो, और गलती से भी अगर सोफिया कलेक्शन बॉलिंग कर रही है तो आप सेकंड वाली जो फर्स्ट बैट अगर मान लीजिए टीम कर रही है, आप कभी भी यस मत कीजिएगा, ये बात हमेशा आप याद रखिए, ठीक है। तो कुछ बोला नहीं, चलिए तो सभी के लिए मैं चलता हूँ, तो बस।